समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये दिशा निर्देश दिया था कि वो जनता की पूरी मदद करें सुरक्षित रहते हुए। अखिलेश यादव के इसी आदेश के बाद अब समाजवादियों ने समाजवादी ऑक्सीजन की सेवा शुरू कर दी है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। सबसे पहले इसकी शुरुआत बदायूं से हुई। बदायूं के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव ने यह घोषणा की कि बदायूं मेडिकल कॉलेज में समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, जिसके बाद ये सिलसिला पूरे प्रदेश में शुरू हो गया। लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इस वक्त समाजवादियों की ऑक्सीजन सेवा शुरू हो चुकी है। इसमें छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता अपने समर्थ अनुसार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनके घर तक मुहैया करा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले साल लॉकडाउन में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हर शहर में गली से लेकर सड़कों तक लोगों को मदद पहुंचाई, भोजन पहुंचाया, अब ठीक उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऑक्सीजन पहुंचाने में जुट गए। इसके लिए वो अलग अलग जिले के संपर्क सूत्र भी जनता को दे रहे हैं। इस सेवा को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाम दिया है समाजवादी ऑक्सीजन सेवा। कहीं ना कहीं ये साफ है कि अखिलेश यादव के इस आह्वान के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को और भी मदद मिल पाएगी, और वो भी विपक्षी पार्टी से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।